गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म चैनल। तो आज जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे। तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो सीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट, और जो डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स आपको जो है सीटेट क्लास का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 8209837844। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। और ये हमारी वेबसाइट है यूजीसी नेट के लिए है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ज्योग्राफी के सोशल स्टडीज में जो ज्योग्राफी का पार्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछे गए हैं। तो कौन सी मिट्टी है जो कपास उगाने के लिए अच्छी होती है, तो उसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको नोट डाउन करते जाना। विच सोल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो रेगुर सोल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कपास उगाने के लिए जो है रेगुर मिट्टी में ही कपास को उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। By what process is soil formed? तो किसके जरिए जो है मृदा का निर्माण होता है। ये जो एनसीईआरटी की बुक है सोल, टाइप्स ऑफ सोल, इनके नाम, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे सीटेट का, तो ये जो सोल पे चैप्टर है एनसीईआरटी का, इससे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इस पर बनते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करके जाना। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसको वेदरिंग कहेंगे। तो जो मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो उसे अक्षय कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अक्षय, और इंग्लिश में इसको वेदरिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, the resources which are surveyed and their quantity and quality determined for use are known as। the resources which are surveyed and their quantity and quality determined for use are known as। जिन संसाधनों का जो है सर्वेक्षण किया जाता है, उनकी मात्रा और गुणवत्ता उपयोग के लिए जो है जांच की जाती है, उसकी उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विकसित संसाधन कहा जाता है।
तो ये डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज करने से पहले इनकी गुणवत्ता क्वालिटी का जो है जांच की जाती है, तो हम इसको डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से हैं ये क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट फैलो लैंड। एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को कहा जाता है, यानी या तो एक वर्ष के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है या एक साल से भी कम जो भूमि को खाली छोड़ा जाता है, मतलब लगातार आप उस पर खेती कर सकते हैं, तो उसको जो है प्रति भूमि कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है प्रति भूमि वाला। जब हम एक एक जमीन पर लगातार खेती करते हैं, मतलब एक साल या एक साल से कम उसको खाली छोड़कर हम उस पर जो है खेती करते हैं, तो उसको हम जो है प्रति भूमि कहते हैं और इंग्लिश में इसको जो है फैलो लैंड कहते हैं। तो दिस इज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये है फैलो लैंड, जिसको हिंदी में प्रति भूमि कहते हैं, जहाँ पर खेती जो है एक या एक वर्ष से कम समय के लिए खेत को खाली छोड़कर उस पर लगातार खेती की जाती है, उसे प्रतिभूमि कहती है। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी आता है। जब अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो बंजर भूमि किसे कहते हैं जिस पर खेती ही ना हो, प्रतिभूमि किसे कहते हैं, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं। हिस्ट्री में भी है और ज्योग्राफी का भी ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। Red, why red soil is red in color? Because it is rich in iron components. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है सोल से रिलेटेड देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें जो है लोह यौगिक होते हैं, आयरन कंपोनेंट्स के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग आपको लाल दिखाई देता है। यह लोह यौगिकों में समृद्ध होती है। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाना अपना। जो लोह अस्क है हम उसको किस में रख सकते हैं, हम उसको गैर नवीकरणीय में रखते हैं, जिसको परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। और गैर नवीकरणीय स्रोत भी होते हैं जिनका निर्माण में काफी लंबे समय लगता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा था गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100%। तो अपना इनको और इसके जो क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाते हैं यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा संसाधन को हम जो है लोह अस्क है इसमें इसको हम किस में रख सकते हैं, नवीकरणीय या अनवीकरणीय में। तो हम इसको जो है अनवीकरणीय यानी गैर नवीकरणीय में रखते हैं, क्योंकि जो लोहा यस्क होता है ये पृथ्वी की चट्टानों में पाया जाता है और इसको बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। तो विच रिसोर्स इज आयरन और तो नॉन रिन्यूएबल, तो आयरन और जो है आयरन और इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ज्वारीय ऊर्जा का मैंने बताया था, ज्वारीय ऊर्जा को हम किस प्रकार के संसाधन में रख सकते हैं, जिसको हम टाइडल एनर्जी कैन बी प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो इसकी पुनर्पूर्ति योग्य इसको रिसोर्सेज है, यानी ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नवीकरणीय स्रोत होता है, इसकी हम पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। ज्वारभाटा समुद्र में आता है और इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है, तो इसको हम जो है पुनः पूर्ति योग्य स्रोत होता है, इसको पुनः प्राप्त किया जाता है
और इंग्लिश में इसको रिप्लेनिशेबल कहते हैं। तो इसका आंसर याद रखना रिप्लेनिशेबल और पुनः पूर्ति योग्य यानी नवीकरणीय स्रोत है। ये जो हमारा ज्वारी ऊर्जा का स्रोत है जिसको इंग्लिश में टाइडल एनर्जी कहते हैं, ये हमारा जो है नवीकरणीय स्रोत होता है। नवीकरणीय स्रोत वो होता है जो इको फ्रेंडली होते हैं, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता इनके, और ये अनलिमिटेड मात्रा में होते हैं, और इनकी जो पुनः प्राप्ति की जा सकती है उसको हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जिसमें सूर्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन, ये सब जो है नवीकरणीय स्रोत होते हैं। अनवीकरणीय स्रोत भी होते हैं जिनको बनने में लंबा टाइम लगता है, और उसका एग्जांपल लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और नेचुरल गैस हो गई, वो हमारे अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, तो विच स्टेट्स ब्लैक सोल इज फाउंड इन गुजरात, तो गुजरात में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए आदर्श होती है, और इनके नाम भी पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, वो आप आगे देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वन के अधीन होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट, तो इट इज 33%। तो हमारी भूमि पर जो है 33% भाग पर जो है वन होने, पेड़ पौधे होने चाहिए 33% पर। तो दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको नोट करते जाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो 33% जो है होना चाहिए, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रीय जल की दूरी वो कितने तक फैला हुआ है, तो वो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू ए डिस्टेंस ऑफ, तो इसका आंसर है 12 नॉट्स। वे संसाधन जो अपने निर्माण में लंबा भूगर्भीय समय लगाते हैं उसको गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट ज्योग्राफी का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, इसके एग्जांपल और इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द रिसोर्सेज विच टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड, तो हम उसको क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, वी कॉल दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये मैंने आपके पहले भी समझा है गैर नवीकरणीय संसाधन जो है इसको, ये पृथ्वी की जो चट्टानें होती हैं ये परतों में उसमें बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। पेट्रोल है, कोयला है, गैसेस हैं, तो इनको बनने में जो है काफ़ी लंबा समय लगता है, और इनको गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सीमित मात्रा में होते हैं और इनसे जो है जैसे पेट्रोलियम है इनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, CO2 की उत्पत्ति होती है, तो इनसे जो है प्रदूषण भी होता है, तो हम उसे जो है गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये लिमिटेड है और जो है इनसे प्रदूषण होता है और इनके निर्माण में लंबा समय लगता है, और इनको जो है परंपरागत स्रोत भी कहते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस इसके उदाहरण हैं। और लोहा अस्क भी, आयरन ओर भी इसका एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे देखते हैं।
तो एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, एक से बार बोए गए क्षेत्र को प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो उसे जो है सघन फसल क्षेत्र कहा जाता है। एरिया सोन मोर देन मंथ्स इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप एरिया, उसको बोलते हैं सकल फसल क्षेत्र, जिसमें जो है कि जैसे हमारा एक वर्ष में दो बार खेती के सीजन होते, रबी की खरीफ की होती है, तो उसमें हम जो है वो एक से अधिक बार जब बोया जाता है, खेत में खेती की जाती है, तो हम उसको सकल फसल क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको जो है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। अब नेक्स्ट है, किस राज्य में खनन के कारण जो भूमि का गंभीर अक्षरण हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज देयर बीन सीवर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू माइनिंग, तो झारखंड में हुआ है, भूमि का जो है ज्यादा नुकसान पहुंचा है क्योंकि वहां खनन के जरिए जो वो प्राप्ति की जाती है मेटल्स की, तो झारखंड में ज्यादा हुआ है भूमि का नुकसान। लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ये मैंने आपको बताया, आप इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है और लाल मिट्टी कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, तो रेड सोल इज मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू, तो दक्कन पठार के जो पूर्वी और दक्षिण भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है, और जो इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें जो है लोहे का होता है, लोहे की मात्रा होती है, इसलिए जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से भी जाना जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी के भी अलग अलग नाम है, तो ये जलोढ़ मिट्टी के ऊपर बेसिकली ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपकी टाइप्स ऑफ सोल के ऊपर है, इम्पोर्टेंट है, ये सोल का चैप्टर हुआ और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल चैप्टर हुआ, इनसे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जो जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होता है, ह्यूमस, इन सब की क्या है कमी होती है, पोटाम्स, तो सबसे ज्यादा जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटास और चूने ज्यादा मात्रा होती है, और जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और एक होती है भंगर, तो ये जलोढ़ मिट्टी है, खादर जो होती है नई जलोढ़ है, और प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा ये जो गाद जमा करके आती है इससे इसका निर्माण होता है, तो बाढ़ के द्वारा जो गाद आती है उससे जमा होकर जो है गादर जो है खादर का निर्माण होता है, तो खादर का जो निर्माण होता है उसको नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और दूसरी टाइप की जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर जो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और इसका निर्माण जो है बाढ़ के मैदानों से दूर जमा पुराने जलोढ़ की प्रणाली से होता है, तो जो है एक का जो है निर्माण जो बाढ़ के कारण जो मिट्टी बहकर आती है उससे होता है उसको खादर कहते हैं, खादर नई जलोढ़ का जो निर्माण वो बाढ़ के कारण होता है, लेकिन जो बांगर जलोढ़ मिट्टी होती है उसका निर्माण जो बाढ़ की वजह से नहीं होता है, तो ये दो टाइप्स की जलोढ़ मिट्टी होती है, और इसमें पोटाश और चूने की मात्रा ज्यादा होती है, जलोढ़ मिट्टी का रंग जो हल्के भूरे से लेकर
राख भूरे रंग में हो सकता है और मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। तो इस तरह से ये भी पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो पोटाश और चूने की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी दो टाइप्स की होती है, खादर जलोढ़ और एक होती है भांगर। एक का खादर जो है उसका निर्माण जो बाढ़ के कारण होता है, भांगर का निर्माण जो है बाढ़ के कारण नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये जो हमारा सोल का जो चैप्टर है मिट्टी से रिलेटेड, विभिन्न प्रकार की मिट्टी उनके नाम क्या होते हैं। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जलोढ़ मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, इसके नाम के बारे में पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आप इसके जो है पॉइंट्स स्टूडेंट्स नोट कर लेना। और इंग्लिश में है, सेम कंटेंट इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो एलुवियल जो सोल होती है लैक इन नाइट्रोजन फास्फोरस एंड ह्यूमस, हाउएवर दे आर जनरली रिच इन पोटास एंड लाइम इन द अपर एंड मिडल गंगनेटिक प्लांट्स। तो ये कहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, तो यू विल फाइंड जलोढ़ मिट्टी इन द अपर एंड मिडल गंगेटिक प्लांट्स एंड देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स हैव डेवलप्ड, फर्स्ट इन खादर एंड बांगर। एंड खादर इज न्यू एल्यूवियल एंड इज डिपॉजिट बाय फ्लड्स विच एनरिच द सोल बाय डिपॉजिटिंग फाइन। प्रकार से तो जो खादर जो होती है इज फॉर्म्ड बाय फ्लड्स एंड बांगर रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम और डिपॉजिट अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। द कलर ऑफ द सोल वेरीज फ्रॉम लाइट ब्राउन टू एश ब्राउन। तो जो राख की तरह जो ब्राउन कलर होता है, राख आपने देखी होगी उसका कलर जो होता है, तो इस तरीके से जो जलोढ़ मिट्टी का कलर होता है। एंड देयर इज अ लैक ऑफ नाइट्रोजन इन द सोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जलोढ़ मिट्टी के बारे में, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से के पॉइंट्स जो है आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है और इसका नाम क्या है और इसमें किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें क्या चीज की कमी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है खरीफ की फसल बारे में, कि खरीफ की फसल कौन से, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो खरीफ फसलों को जो है मानसूनी फसल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी खेती जो है मानसून के मौसम में की जाती है और इन फसलों को वर्षा ऋतु के शुरुआत में ही बोया जाता है। और इनके उदाहरण याद रख लेना स्टूडेंट, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी जो है खरीफ की फसलें होती हैं। तो खरीफ की फसलें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो है एग्जाम से पूछा जाता है कि खरीफ की फसलें के नाम उदाहरण पूछे जाते हैं कि किस इसमें से कौन सा जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स ये पूछा जाता है। तो जो एग्जाम से पूछे गए ही ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये उन्हीं की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो जो खरीफ जो फसल है उसको मानसूनी फसल के रूप में भी जाना जाता है और वर्षा ऋतु में इनको बोया जाता है। और चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये इसके फसलें होती हैं। अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स,
for same content in English. The Kharif crops are also known as monsoon crops because they are cultivated during the monsoon season, and these crops are shown at the beginning of the rainy season. And you can see the examples of Kharif season crops. The examples are rice, maize, bajra, ragi, jowar, soybean, groundnuts, cotton, etc. are all Kharif types of crops. Now आप देखते हैं रबी की जो फसलें होती हैं, ये वो फसलें होती हैं जो मानसून के अंत में या सर्दियों के मौसम की जब शुरुआत होती है तब इनको बोया जाता है, और इन फसलों को जो है शीत ऋतु की फसल भी कहा जाता है, जैसे गेहूँ जिनका अक्टूबर नवंबर में जिनकी बुआई की जाती है, टाइम भी पूछ लिया जाता है। तो जो खरीफ की फसल थी उनको जो है जून जुलाई में बोया जाता है, लेकिन जो ये रबी की फसलें होती हैं इनको जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और इसको गेहूँ सरसों मटर दालें जो है ये सभी जो है दालें रबी की फसलें होती हैं। तो दिस आर द क्रॉप्स विच आर जो है सोन एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन और एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन, एंड दिस क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप्स, एंड एग्जांपल्स आर व्हीट, मस्टर्ड, पीज, पल्सेस एंड ब्रेली आर ऑल रबी क्रॉप्स। Next question is, which state does not share its border with Myanmar? कौन सा राज्य है जो भारत का म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अगर स्टूडेंट इसको आपका आंसर आता है तो यू कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। जो सिक्किम है वो जो है म्यांमार की अपनी सीमा उसकी नहीं लगती है। जो सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो भूटान, चीन और नेपाल के साथ लगती हैं। तो सिक्किम जो है म्यांमार के साथ नहीं सीमाएं लगती हैं। सिक्किम की जो सीमाएं होती हैं वो अदर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भूटान से लगती हैं, सिक्किम चीन से और नेपाल के साथ लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है म्यांमार के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो जो म्यांमार है इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। सिक्किम शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद भूटान, चाइना एंड नेपाल। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार। तो यू विल also find this type of question in exam. तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट, तो आप इनको नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने भी मैंने अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए सभी के सभी जो है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मैंने ज्योग्राफी का आपको बता दिया है, टाइप्स ऑफ सॉइल और जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, ये टॉपिक हो गया, आप इनको जो है अच्छे से पढ़ के जाना, इनसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस पूछना है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स।
स्टूडेंट्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले यू हैव टू ज्वाइन द सीटेट क्लास टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन लिंक. तो आज के लिए इतना ही. तो कल मिलते हैं 9 बजे से टाइम पर और जो कल फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. स्टूडेंट्स कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट एमसी.